कॉलेजों में टेबलेट दिया है ना सरकार ने, और आपको इसको नॉर्मल करना है, तो आपको मैं बताता हूँ वैसे करना है। ये तो मैंने नॉर्मल कर दिया, आपको मैं बताता हूँ वैसे करना है। डेवलपर ऑप्शन, सरकार ने रिसेट फॉर्मेट का ऑप्शन भी डिसेबल कर रखा है, इसे इनेबल करना पड़ेगा। और क्या क्या सर्विस लगा रखी है देखो, एडमिन, तीन सर्विस लगा रखी है, इसे डिसेबल करना पड़ेगा तीनों को। हमें प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर के जाने के बाद आपको यहाँ पर ये ऐप को डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करना है आपको। फिर आपको जाना है इसको डाउनलोड करना है, ये आपसे रुपये लेगा प्ले स्टोर पर। और एक आपको इसको डाउनलोड करना है, आपको इसको फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को बंद करना है, आपको क्रोम में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आपको। आपको पहली वेबसाइट पे जाना है एप्ड्रॉइड पर, और आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करना है। आप वाले में सीधा इंस्टॉल नहीं होगा, मेरे वाले में सीधा इंस्टॉल होगा, आप वाले में इंस्टॉल नहीं होगा। आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है इंस्टॉल करने के लिए। सेटिंग में जाने के बाद ऐप में जाना है आपको। बाद में ना यहाँ पर ढूंढना उसको जो आपने डाउनलोड किया, जैसे मैंने इसको करा, यहाँ से आपको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपका सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। इसी तरह से आपको करना है। अच्छा, आपको इंस्टॉल तीनों को करने के बाद, और इसको आपको फाइल से कर लेना हो तीनों को डाउनलोड करने के बाद। तीनों को डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। आपको इस पर जाना है, फिर आपको इस पर जाना है, फिर आपको इसको तीन चार बार क्लिक करना है, फिर आपके वाले में ये ऑप्शन खुल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसमें जाना है, पेयरिंग में जाना है, नोटिफिकेशन अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आप वाले में ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको करना क्या है, फिर आपको सेटिंग में जाना है, डेवलपर ऑप्शन में। यहाँ हमें वायरलेस डिबगिंग ऑन करना है, वैसे तो ये डिसेबल है, हमें करना है ये बता, वीडियो में देखो कैसे करना है। इसमें जाओ, इस ऑप्शन में क्विक सेटिंग में, यहाँ पर वायरलेस डिबगिंग को ऑन करो, ऊपर दिखाएगा, इसको ऑन करो, इसके दबाए रखो, फिर इसे ऊपर जाकर ऑन करो। फिर पेयरिंग वाले ऑप्शन को दबाओ, इसमें डालने हैं। आपको एक कोड इसमें डालने हैं, आपका शिशु को स्टार्ट हो चुका है। आपको फिर क्या करना है, बेकन है, फिर आपको शिशु को में जाना है, बेक जाना है। फिर भी अगर कोई एरर आए तो फिर से कनेक्ट ना हो तो उसको कनेक्ट ना हो तो आपको ये देखना है नॉट रनिंग सूची को, ये ऐसा एरर दिखाए तो आपको वायरलेस डिबगिंग को ऑन करके ऑफ करके ऑन करना है। फिर
कनेक्ट हो जाएगा। ऑन कर कर बंद कर, पहले तो बंद कर दो फिर ऑन करो, फिर कनेक्ट हो जाएगा। फिर परमिशन दे दो, देख रनिंग शिजी को रनिंग आ गया, ऐसे करना है। फिर से चालू करके फिर से ऑटो चालू कर देना, हो जाएगा। फिर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट होने के बाद में आपको इस पे जाना है, इन दोनों को परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद आपको क्या करना है, आपको में एक टेक्स्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमांड भी मिल जाएंगे। आपको ऊपर वाला कमांड कॉपी करना है, कॉपी करके आपको इस पर जाना है। स्टार्ट उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दो, फिर कमांड रन होते ही ये सर्विस डिसेबल हो जाएगी। डिसेबल कर फिर दूसरी वाली को और करना है हमें। आपको इस भी स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको नॉक सर्च करना है, और वो दूसरा वाला कमांड है उसका आधा यहाँ पर पेस्ट कर कर गैप छोड़ कर फिर वो पैकेज आईडी को वहाँ पर पेस्ट करना है। एक सर्विस तो हमने डिसेबल कर दी, दूसरी की पैकेज आईडी वहाँ पर जाकर घेर कर डिसेबल करना है। वो कमांड आधा लिख दिया, फिर उसके आगे पैकेज आईडी। अब हमें फॉर्मेट का ऑप्शन खोलने के लिए फॉर्मेट इनमें से जो भी आपको सर्विस में वो तीनों सर्विस दिखे इनको बंद करना है। सी पी यू उसको बंद करने के बाद वो दोनों कमांड आपको फिर से चलानी है। एडमिन में तो बंद होने के बाद आपको आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। वापस से आपको इसमें करना है, वो कमांड फिर से रन करनी है आपको, फॉर्मेट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कमांड मिल जाएंगे, ऊपर वाले को कमांड को कॉपी करके आपको कहना आपका इनेबल हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आपको इस पर जाना है। यहाँ पर उन तीनों सर्विस में से कोई सी भी सर्विस आपको दिखे उस पर जाकर यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे इस पर जाते हैं। फिर इस यहाँ पर दिखाई देगा आपको डिलीट का कैसे थे, हाँ इस पर जाते हैं। जैसे आपको वहाँ उन सर्विसों पर जाना है और यहाँ पर डिलीट कर देना उनको, फिर आपका इनेबल हो जाएगा। इससे दो तरीके हैं इसके। आपको फिर फॉर्मेट करने के फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर जाकर फॉर्मेट करना है। उससे पहले आपको एक काम और करना है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये कमांड रहे आप, पहले तो हमने ये ऊपर वाला कमांड रख दिया, फिर नीचे वाला, फिर मैंने कहा था उन सबको बंद करके फिर ये रीसेट कमांड ना ये देना है आपको, ऊपर वाला ये एक ही है। फिर आपको गूगल में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है। उससे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस पर जाना है। ना ना ये गलत आ गई, गलत आ गई। आपको इस वेबसाइट पर जाना है। आपको यहाँ इस पे जाना है,
आपको इस पे जाने के बाद इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ से रजिस्टर करना है, ये कोड यहाँ पे फिल कर देना और इनको आपको छेड़ना नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको तीन अक्षर से लेके 20 अक्षर तक बनाना है। यहाँ पर पासवर्ड बनाना है और यहाँ पर 2 बार पासवर्ड देना है। यहाँ पर ईमेल देनी है, फिर सबमिट करने के बाद आपको अपनी ईमेल पर जाकर वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा और उसका पासवर्ड याद रखना। फिर आपको फॉर्मेट मारना है, फिर आगे फॉर्मेट हमें इसको डिसेबल करने के लिए फॉर्मेट मारना है। ये एरर आता है तो ये बार फिर से बताया, ढंग से नहीं बताया ना मैंने। इस पर जाकर इनमें से जो भी है सर्विस उनको बंद करना है, न फिर भी ना हो तो फिर से ट्राई करना। एडमिन तो में तो होगा नहीं, सब में जाकर सर्विस को बंद करना है, फिर वो कमांड पेस्ट करना, आपको बस फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाएगा। देख लो आप सर्विस कौन कौन सी बंद करनी है। इसको बंद करना है, सबको ऑफ करना है, तीनों सर्विस में से कोई सी भी दिखे उसको ऑफ करना है, नोटिफिकेशन भी ऑफ करना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें है इसको ऑफ करना है। वाईफाई में भी है, इसमें भी है, बंद कर दूँ, सब में जाकर देखना है। समय बंद करने के बाद आपको बंद करना है, फिर वो कमांड देना है, फिर फॉर्मेट मारना है। आपको अकाउंट खोल ही लिया उसका, पासवर्ड यूजर याद रखना उसका। फॉर्मेट मारने के बाद आपको स्क्रीन पर 5 से 6 बार टैप करना है और उस वेबसाइट पर आपको स्कैनर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करने पर फिर आपको वाईफाई से जोड़ना है, फिर वाईफाई से जोड़ना है। जुड़ने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर नेक्स्ट जो है आपको फिर ऊपर वाला दबाना है, आपको साइनिंग करना है, साइनिंग और वो नेक्स्ट दबाना है, नेक्स्ट दबाना है, नेक्स्ट दबाना है, फिर आपको यहाँ पर यूजर पासवर्ड देना है, फिर साइनिंग करना है। नेक्स्ट
फिर आपको ये ऑप्शन चालू करना है, एग्री करना है, इनेबल करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर इस ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर नॉक सर्च करना है। यहाँ पर रेड कलर का दिखे तो बंद है, इस ऑप्शन को दबा देना, बंद हो जाएगा। डिसेबल डिसेबल हो गया, देख लेना वहाँ पर रेड आके तो डिसेबल हो गया, ग्रीन है तो चालू है, उसे डिसेबल करना है, बेक आना है। फिर ओके, एग्री एग्री, परमिशन दे देनी है सभी को। अभी मैं उसको, अभी हमें इसको डिलीट करने के लिए ये दोनों वो टूल वापस इंस्टॉल करना है और फिर से वो कमांड देना है फाइल वाला। वो कमांड देना है ऊपर वाला कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करके, सूजी को आपको जोड़ना है। पेस्ट कर देना, डिसेबल ऑप्शन आ गया, हो गया डिसेबल। फिर आपको इसमें जाना है, सेटिंग में जाना है, नीचे वाले दोनों ऑप्शन को बंद कर देना, इसको भी कर देना, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, यस। फिर इसको भी डिलीट कर देना, उन तीनों ऐप को डिलीट कर देना। हो गया आपका सही।